उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में 2 परिवार के 6 लोगों की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में 2 परिवारों के बीच हुए खूनी तांडव के बाद भी तनाव भी शांत नहीं हुआ है। देवरिया के रुद्रपुर कोतवाली के फतेहपुर गांव में पुलिस का कड़ा पहरा लगा हुआ है। लोग अपने अपने घरों से कम ही बाहर निकल रहे हैं। इस घटना को लेकर आपस में बातचीत करने से भी कतरा रहे हैं, क्योंकि इस पर दोनों प्रभावित परिवारों के पक्ष में लोग खड़े होने लगे हैं। रविवार को सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के मारे गए 5 लोगों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था, तो वही उसके जवाब में प्रेमचंद यादव के समर्थकों ने भी एकजुट होकर प्रदर्शन किया था। प्रेमचंद यादव के समर्थन में जुटी एक भीड़ का कहना है कि वो प्रेमचंद यादव के परिवार के साथ है। चाहे कोई नेता या मंत्री इसके परिवार का हाल पता लेने ना आया हो, लेकिन इनके परिवार के साथ किसी तरह का न्याय नहीं होने दिया जाएगा। देवरिया कांड में मारे गए प्रेमचंद यादव, जो कि पूर्व पंचायत सदस्य भी थे, उन्हें लेकर आरोप है कि वो दबंग छवि के थे और जमीनों पर अवैध कब्जे किया करते थे, जबकि जिस जमीन पर इनका आलिशान बंगला बना है उसके कुछ हिस्से को भी अवैध बताया जा रहा है। जांच पड़ताल में प्रशासन ने इसे सही पाया और उनके घर के बाहर नोटिस लगा दिया गया, जिसके बाद संभावित बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। मकान की नपाई का काम पूरा हो चुका है, जिसके खिलाफ अब प्रेमचंद यादव की पत्नी खड़ी हो चुकी हैं। उन्होंने सीएम योगी से गुहार लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने गलत नपाई की है, जबकि मकान का बैनामा होने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि हमारा मकान गिराने की बात कही जा रही है, अब उनके पति इस दुनिया में नहीं है, ऐसे में वो अपने बच्चे को लेकर कहां जाएंगी। प्रेमचंद यादव की पत्नी ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई पक्षपात पूर्ण है, जबकि दुबे का बेटा और उसके रिश्तेदार खुलेआम घूम रहे हैं, उनके साथ नेता भी खड़े हैं, उनके साथ सहानुभूति भी जताई जा रही है, क्योंकि हमारे घर कोई झांकने भी नहीं आया। आपको बता दें, इससे पहले प्रेमचंद यादव की बेटी ने सत्यप्रकाश दुबे के जीवित बचे बेटे पर यह आरोप लगाया था कि उसी ने उसके पिता को मारा था और वहां से भाग खड़ा हुआ था। गौरतलब है कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार में जीवित बचे बेटे ने बताया था कि वो परिवार पर हमले के वक्त दूसरे गाँव में पूजा पाठ कराने गया हुआ था, इसीलिए उसकी जान बच गई। उसके ऐसे दावे पर प्रेमचंद यादव की बेटी ने कहा था कि वो सरासर झूठ बोल रहा है, क्योंकि 2 अक्टूबर वाले दिन से पहले ही पितृपक्ष शुरू हो चुका था और ऐसे समय में कोई पूजा पाठ नहीं करवाता। खैर, मामले की तफ्तीश जारी है, जिसमें कई और लोगों का पकड़ा जाना अभी बाकी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो को शेयर, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।